देखो बेटा, हमें जेड़ा पोर्शन आपा कवर करना है ना, आज आपा सिर्फ बेसिक पॉइंट्स से गल कर रहे हैं, ताकि अगर टर्म्स दी समझ आ गई ना तुहानू, फिर काम डील करना बड़ा इजी हो जाएगा। पर जे पता ही नहीं लग रहा भी टाइम पीरियड की है, फ्रीक्वेंसी का की रिलेशन है, ओमेगा की है, फिर प्रॉब्लम आती है ना, या पीक वैल्यू की है, इंस्टेंटेनियस की है। हुण दोबारा सुनो पुत गल सारी, हुण आपां इहनूं मैथमेटिकल फॉर्म च कन्वर्ट करना। हुण एक्चुअली पुत्तर, जदों असी किसे भी शेप नूं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ये तुहानूं पता वा, ठीक है ना, जिदा कि सब तो बेड़ा बेसिक पार्ट तुसी शायद 9वीं 10वीं च भी पढ़ने हैं, वो है इक्वेजन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर बेटा थोड़े सामने मान लो एक ग्राफ प्लॉट किया होया, हुण अगर वो ग्राफ है तो वो दो वेरिएबल्स यूज होए होंगे, तो आप उन्होंने वेरिएबल्स चो एक का नाम एक्स मान लिया, दूजे का वाई, ये जनरल है ना। हूँ इतने एक्स का मतलब पोजिशन नहीं समझना है, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है, दो टर्म्स। तो हूँ अगर आप ग्राफ प्लॉट करिए, तो मान लो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा पासिंग थ्रू ओरिजन, और दूसरे केस च बेटा अगर असी दो वेरिएबल्स दे विच ग्राफ प्लॉट करिए, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही बन रहा बट वो ओरिजिन चो नहीं पास कर रही, वो वाई एक्सिस नो इंटरसेक्ट कर रहा एट +3 पे। और अगर अपन एक और ग्राफ की गल कर रही है बेटा एक्स वाई दी, तो वो ग्राफ इदा, मतलब वो ग्राफ वाई एक्सिस नो नेगेटिव पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और फिर आप जो देखते हैं कि मान लो आ एंगल 45 डिग्री है, आ वाला एंगल 30 डिग्री है, और आ एंगल से 60 डिग्री है ना, तो असी ये जड़िया डिफरेंट ग्राफ्स है, शेप तो इन्हों की स्ट्रेट लाइन ही है, बट अलग अलग इक्वेजन नाल ये रिप्रेजेंट होंगे। हुण इहदे लई जिहड़ी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है साडी, जो असी मैथ पढ़िया, कि क्योंकि ये एक्स और वाई दो वेरिएबल्स ग्राफ है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट है, तो जनरली इन्हों विच रिलेशन आ फॉर्म च आएगा, इक्वेजन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हुण इस इक्वेजन च एम स्लोप है और सी इंटरसेप्ट है। हुण बेटा जे आप इहदे लई इक्वेजन लिखनी है मैथमेटिकली, तां इहदे लई सी जीरो है, क्योंकि ये ओरिजिन जो पास कर रहे हैं, और स्लोप होंगी है टैन थीटा, और थीटा विद होरिजोंटल होना चाहिए, और होरिजोंटल 45 है, तो टैन 45 1 हो गया, तो यह मतलब ये वाई इज इक्वल टू, हाँ एम 1 है तो सी 0 है, और एम टैन 45 1 है, उधर छूट करो तो बन गया। इधर ले C +3 है, और M tan 30 डिग्री 1/√3 है ना, तो Y बन जाएगा 1/√3 X +3, और इधर C -3 -4 है, और M tan 60√3 है। देखो कि जदों तुसी आ वाले इक्वेजन्स लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये इक्वेजन हेलो सर, हाँ पुत्र बोलो, वो हमारे पेरेंट्स आ गए थे तो हम घर ही जा रहे हैं, ऑफिस के लिए नहीं आ रहे। ठीक कोई बात नहीं, है सर, थैंक यू। ओके, हम देखो भाई पुत्र, एड़ा मैसेज कन्वे होया कि असी ना किसे भी फॉर्म नो मैथमेटिकली लिख सकते हैं, ये तो स्ट्रेट लाइन सी ना, लिख सकते हैं। हुन
इस गल नूं आपां इत्थे अप्लाई करना जदों अल्टरनेटिंग करंट। हुण तुहानूं मैं की दस्सिया वा कि आपां आम तौर पर कह जाने कि जिहड़ा अल्टरनेटिंग करंट है वह इदां है ना, तो इहदा मतलब इत्थे इह जिहड़ी शेप बन रही है वह कि शेप है, साइन करव है ना, साइन करव है। हुण इत्थे गल नूं समझियो पुत्र, हुण इहनूं मैं थोड़ा जिहा मैथमैटिकली तुहानूं दस्सण लगा। आ देखो, अगर आ थीटा वा, ठीक है, और थोड़ा ग्राफ आया, अगर आ वैल्यू जीरो है, आ 90 डिग्री है, आ 180 डिग्री है, आ 270 है, आ 360 डिग्री है, तो तुसी नोट पता की कर रहे हैं। अच्छा, आ वैल्यू अगर मान लो प्लस वन है और आ वैल्यू माइनस वन है, तो इट मीन्स आ वेरिएबल साइन थीटा होएगा, क्योंकि वेन थीटा जीरो है ना, जीरो डिग्री, तो साइन जीरो डिग्री जीरो ही है। जदों थोड़ा थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री प्लस वन है, आ वाला पॉइंट। जदों थोड़ा थीटा 180 डिग्री है तो साइन 180 डिग्री जीरो है, एंड माइनस वन है, 360 है, तो आ कर्व साइन कर्व है ना, ये साइन कर्व है। अच्छा, तो जे बेटा आप गल करिए थीटा, तो आ कर्व हुण इहदे विच जिहड़ा जीरो है, जदों थीटा जीरो है तां उदों वैल्यू प्लस वन आ रही है, ये कदों हो सकती है, जेकर कॉस थीटा, तो आ 90 ते जीरो आ रही है, 180 ते, 270 ते, 360 ते है ना आ रही है। पर हुण इंटरेस्टिंग गल देखो पुत्र, कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा नूं तुसीं साइन थीटा प्लस 90 भी लिख सकते, तो आप कह सकते हैं भी ये कर्म किहदे लई है, साइन 90 प्लस थीटा लई है, कॉस थीटा कहन दी जगह कह सकते हैं ना आप। तो मतलब ये जिहड़ा शेप है, तो आ वाली शेप है ये साइन वाली है, ये कोसाइन वाली है, पर आप इहनूं भी साइन च कन्वर्ट कर सकते हैं है ना, साइन थीटा प्लस 90। हुण एक गल इंटरस्टिंग देखो, ये भी आज का ग्राफ है, इनू अपन कॉस थीटा नू साइन थीटा प्लस 90 कह सकते हैं, 90 की जगह पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं रेडियन। तो हुण एक्चुअली क्योंकि आ पीक है, जे मैं इनू इधर नू एक्सटेंड करा इदा, तो आ ग्राफ आ कितना एंगल बनना, 90 बनना ना, ये बेसिकली है ना, ये जड़ा पोर्शन च नहीं आ रहा, तो ये 90 डिग्री बनना, इस करके इतने 90 लिख। तो इहदा मतलब खास करके हुण अगर बेटा थोड़े सामने मैं एक ग्राफ बना रहा, तो ये भी साइन करोगे, फर्क की है भी, ए जीरो तो स्टार्ट हो रहा सी, ए मैक्सिमम तो हो रहा सी, पर ए मैक्सिमम तो उतना नहीं ना स्टार्ट हो रहा है ना, ना ही जीरो तो स्टार्ट हो रहा है, पर हुण इहदे विच इहदे विच गल नूं देखो, सिमेट्री जोड़ो, तो इधर साइन थीटा होएगा, लिख सकदा नहीं, साइन थीटा वाला तो आ सी जीरो तो स्टार्ट होने वाला, इनू मैं कॉस थीटा लिख सकदा नहीं, क्यों नहीं, तो इनू मैं की लिख सकदा, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ 90, ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਆਹ ਐਂਗਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 10 ਡਿਗਰੀ 20, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 5, ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਆਈਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਛੱਡੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕੌਸ ਵੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੌਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਕੌਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਈਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ, ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮ ਸਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੌਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ,
तो इस करके साइन फॉर्म जी रखना है, तो साइन बेसिक फॉर्म है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही सोचना है। अच्छा क्लियर है पुत्र गल, इन नोट कर लो भी ए एक्चुअली ऑसिलेशन भी इंपॉर्टेंट है ना, जिन्होंने कॉम्पीटिशन तैयार करना उन्होंने ऑसिलेशन समझना भी आसान हो जाता वा, बट थानू समझ आई है गुरलीन? समरीत यथार्थ चिराग हरमन लक्ष्य तो देखो बेटा हूँ आप एक्चुअली इस मैथमेटिकल पोर्शन कितना जोड़ना वा है ना, तो एक्चुअली एक जनरल ग्राफ है, आ दोनों पर्टिकुलर ग्राफ्स है, इथे स्टार्ट हो रहा जीरो तो, इथे स्टार्ट हो रहा मैक्सिमम तो, बट ये जनरल ग्राफ है ना, ये जनरल साइन कर्व का ग्राफ है, और उन्हें कितना रिप्रेजेंट करना वो थानू समझ आ गई है ना, दसता थानू आइडिया, बाकी मैथमेटिक्स के विच ज्यादा क्लियर हो जाएगी गल जो पढ़ोगे तुसी। तो हुण देखो ठीक है चलो देखो भी हम बेटा हम इधर विच इधर अकॉर्डिंगली अगर थोड़े अल्टरनेटिंग करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट के टाइम दे विच ग्राफ इस शेप च है तो ए शेप साइन थीटा वाली है, ते जे थोड़े करंट का ग्राफ इस तरह फिर कॉज वाली है, ते जे थोड़े करंट का ग्राफ इदा वा फिर साइन थीटा प्लस फाइव वाली है ना, एदी लोड तो घट ही पैनी है सानू, नहीं ज्यादा नहीं पैनी, तो एदी मैक्सिमम पैनी है, एदी भी एक दो न्यूमेरिकल्स पैंदी है ना, बट पता होना चाहिए सानू। तो इस ग्राफ दे अकॉर्डिंगली जो अपा आई नू की लिखांगे पुत्र, मैं इस ग्राफ दे अकॉर्डिंगली गल कर रहा तो आई की आएगा साइन थीटा दे डायरेक्टली है ना, क्योंकि ये ग्राफ साइन थीटा नो रिप, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन नो हटा के की लिखांगे अपना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हम गल ना सुनियो इंटरेस्टिंग गल है, जेड़ा ये के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है हुन इहदी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, वो कंडीशन तो पता लगेगी, कंडीशन की है बेटा कि जदों थीटा 90 डिग्री होएगा तो साइन 90 डिग्री मैक्सिमम हो जाएगा वन, ते जो आ टर्म मैक्सिमम होएगी तो आई नू भी मैक्सिमम हो जाएगा, पर अल्टरनेटिंग करंट च मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट हुंदी है, पीक वैल्यू सिंबल, इना मतलब जो आ पोर्शन मैक्सिमम प्लस वन होएगा तो आई मैक्सिमम होएगा आई नॉट के बराबर। तो जो आप इस इक्वेजन च साइन थीटा नू मैक्सिमम प्लस वन लिखांगे तो फिर आई नू की लिखना पौ आई नॉट, तो आई नॉट इज इक्वल टू के है ना, तो साइन 90 तो के आई नॉट आ गया। हुण अगर आप इतने मुड़ के वैल्यू पुट कर दिए तो आई आई नॉट साइन थीटा हो गया। अच्छा हुण एक गल सुनो पुत्र, हम थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कितना, क्योंकि ओमेगा ना उन्हें थानू थोड़ा जहा प्लस वन वाल जाना पैना, या याद रख लो
जितना ना आप वेलोसिटी कहने हैं dx by dt, कि अगर कोई बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी dx by dt कह देने हैं, उतना ही एंगुलर वेलोसिटी जेडी की अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ दे केस च एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे नाम नाल बोली जाती है वो डी थीटा बाय डी टी होंगी है ना। तो डी थीटा की हो गया तो आप इंटीग्रेट करके थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये मैं थानू शुरू च दस के आया कि ओमेगा अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ लिए कॉन्स्टेंट है तो ए बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन जो, तो आ थीटा इज इक्वल टू है ना, तो इथे पुट कर दे ओ, तो आई की बन जाएगा पुत्र आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब थीटा दी जगह ओमेगा टी लिखता इस ग्राफ ले। नहीं नहीं एप्लीकेबल नहीं, वो तो के दी वैल्यू निकालने लिए मैक्सिमम कटे है ना पुत्र। नहीं नहीं पुत्र ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट नु कढ़न दा फार्मूला है, वो के कढ़िया ना अपन अननोन कांस्टेंट नु कढ़न लिए वो कंडीशन लाई है जेड़ा ओदे विच के आ गया ना। हाँ के आई नोट दे, मतलब आज तो बाद गल सुन लो, आज तो बाद जो भी थोड़े सामने अल्टरनेटिंग करंट दी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कढ़नी है तो केड़ा फार्मूला लिखना आई नोट साइन ओमेगा टी, क्योंकि आप मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग टाइम ते करंट जीरो है और इस ग्राफ दे ले भी करंट की है स्टार्टिंग टाइम पे जीरो है ना, इस करके इस फॉर्म च अपन यूज करते हैं। पर जे अपन नु स्पेशली उन्हें दसया हुए कि जीरो टाइम पे करंट मैक्सिमम सी फिर इहदा मतलब आ वाली कंडीशन आ गई, फिर की बन जाना तो आई दी वैल्यू कॉस ओमेगा टी बन जू है ना। पर ये बड़ा रेयरली यूज होना और इहदे लई फिर की बन जू प्लस फाइव, और फाइव की वैल्यू अपा कंडीशन तो कट भी सकते हैं दिती भी हो सकती है दोनों गल्ला ही होंगी पर उसकी लोड़ नहीं पैंदी सानू प्लस टू लेवल पे है ना। तो गल की समझी पुत्र कि आज तो बाद जो भी तुसी अल्टरनेटिंग करंट दे नाल डील करते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू नू फाइंड आउट करन लई केड़ा फार्मूला यूज करना आई इज इक्वल टू आई नॉट। हाँ क्योंकि आप मीन फार्मूला नू कॉमनली यूज करते हैं। अच्छा दूजी गल देखो, क्योंकि थानू दस्या होया कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू जिहड़ी है ना करंट की टाइम पे अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती किसी टाइम पे कुछ है। तो इतने देखो ये जिस टाइम की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कढ़नी है वो टाइम वैल्यू इतने पुट हो जाने वो टाइम इतने आ जाना ना आ वाला, तो आ जो टाइम है उस टाइम की आ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक होगी गल तो ये भूलना नहीं। हाँ अगर उन्हें थानू कहता स्पेशली कि जोड़ा अल्टरनेटिंग करंट है वो स्टार्टिंग च मैक्सिमम सी फिर तुसी उस करंट दी इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट करन लई ये फार्मूला नू प्रेफर करना, इनू प्रेफर कर देना क्योंकि ये मैक्सिमम तो स्टार्ट हो रहा है ना, बट अदरवाइज आपां उहदे नाल काम चलाना। अच्छा हुण देखो बेटा ध्यान दियो, तो आ जी सारी डेरीवेशन है ये इतने तक पहुंचने लिए मतलब जी साढ़े सामने गल आ जरूरी आया बस आ कि आया वो उन्नी इंपोर्टेंट गल नहीं बट पता लग जाए तो वधिया गल है। तो हुण भी जिनी डिस्कशन आपां कीती है उस डिस्कशन दे विच असीं अल्टरनेटिंग करंट नू सेंट्रल पॉइंट रख के डिस्कशन कीती है। हुण मान लो अल्टरनेटिंग ईएमएफ दी गल करनी है
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਆਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਈ ਲਿਖ ਲਈਓ ਤੇ ਆਈ ਨੋਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਈ ਨੋਟ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹ ਬਸ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਤੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ EMF ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਜੋ ਕਰੰਟ ਦੀ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਸਾਈਨ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਕਤ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹੀ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ, ਰੇਅਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਓਮੇਗਾ, ਐਂਗੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ DC ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ DC ਲਈ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਲਈ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਰਮਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਪੁੱਤਰ? ਇੱਕ ਆਏਗੀ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ IM, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨ ਔਰ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਆਏਗੀ RMS ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਔਰ ਹੈ ਬਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਅਰ, ਤੋ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਅਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਪੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਕਿ RMS ਹੈ। RMS ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਦੇ RMS ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਅਰ ਵੈਲਿਊ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਤੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਹਰ ਵਕਤ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ, RMS ਵੈਲਿਊ, ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ, ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਆਫ 5 ਐਮਪੀਅਰ ਇਜ਼ ਫਲੋਇੰਗ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਇਹ RMS ਹੈ ਕਿ ਮੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ 5 ਐਮਪੀਅਰ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ 10 ਐਮਪੀਅਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ RMS ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ 12 ਐਮਪੀਅਰ, ਤਾਂ ਵੀ
सब कुछ साफ लिखा, एवरेज वैल्यू का था भी साफ लिखा। पर जे मैनू कोई कह दे कि अल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पीयर या 7 एम्पीयर, तो कोई नाम लिखे ही नहीं, तो फिर बेटा हम ध्यान नाल सुन लो, गल नू समझ लो। अल्टरनेटिंग करंट होए या अल्टरनेटिंग वोल्टेज होए, जदों उदी वैल्यू पूरे नाम तो बगैर है ना, तो वो बाय कन्वेंशन आरएमएस वैल्यू होंगी है। वो बाय कन्वेंशन आरएमएस वैल्यू होंगी है। मतलब जे थानू आज तो बाद कोई कहे अल्टरनेटिंग करंट ऑफ 5 एम्पीयर इज फ्लोइंग, तो आरएमएस वैल्यू वो समझ होनी चाहिए थानू, वो लिख लेना कि बिना नाम दे जो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू दिती है, वो आरएमएस वोल्टेज की वैल्यू की गल हो रही है, ये बाय कन्वेंशन है। तो जे नाम लिखा होएगा फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, समझ आई ना गल। तो स्टैडी करंट के लिए क्योंकि चारों ही बराबर है इस करके कोई फर्क नहीं पैंदा, पर अल्टरनेटिंग करंट के विच ये ध्यान च रखना पैंदा। ठीक है, तो ये दिमाग च रख लो कि अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ के नाल डील करते वक्त केड़ी वैल्यू दिती है उसके बारे भी कलैरिटी होनी बड़ी जरूरी है ना, क्योंकि आंसर उन्होंने अकॉर्डिंगली आना वा। दूजी गल देखो बेटा, तो ये लग रही समझ ना गल, थानू भी क्लियर है गुरली जी ने? हाँ, तो एक जड़े आप टर्म्स आज पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिक गल्ला सारियां जेदे ते एक पूरा लेक्चर लगाया ताकि अगले लेक्चर साडे लिए आसान हो जाए, तो इन्हां नू थोरोली समझना वा। अगली गल सुनो पुत्र, देखो हुण आपां कल जिहड़ा टॉपिक पढ़ांगे उस टॉपिक दे विच असी एवरेज वैल्यू ते आरएमएस वैल्यू नू फाइंड आउट करना सिखांगे। और एक गल बड़ी इंटरेस्टिंग भी है इंपॉर्टेंट भी है कि एक्चुअली देखो कि अगर बेटा थानू इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिती होए ते एवरेज वैल्यू निकालनी होए या आरएमएस वैल्यू, तो उदा एक बेसिक फार्मूला होंगे है ना, उन्हों पकड़ना वा। उदा फायदा की होएगा कि हुण मान लो सानू असी इत्थे जिहड़ा कल वाला टॉपिक है वो तो है कि असी मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालनी, ठीक। पर जे मान लो सानू पेपर च कल नू कंपटीशन देना, उहदे विच सानू एवरेज वेलोसिटी निकालनी आ जाए ते सानू दित्ती हुई है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तां भी असी कढ सकदे हां उसे कंसेप्ट नाल। जे मान लो सानू एवरेज फोर्स कढनी है, दित्ती सी इंस्टेंटेनियस फोर्स, तां भी कढ सकदे हां। तो मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो एवरेज वैल्यू नू किदां निकालना, उहदा एक मैथमेटिकल फार्मूला आपां सेट करांगे, भी अप्रोच देखांगे भी कि किदां सोचिया ते किदां पहुंचे है ना। तो कहने का मतलब यह है कि पहली नजर से तो थानू लग रहा होएगा कि इत्थे तो आपां सिखिया इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट तो एवरेज वैल्यू कढ़नी करंट दी, पर उही कंसैप्ट वेलोसिटी लई भी एप्लीकेबल हो जाना, एक्सेलरेशन लई भी, फोर्स केस च भी हो जाना। और एक गल याद रखो कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो तुसी एवरेज वैल्यू निकाल सकने हैं, पर एवरेज तो इंस्टेंटेनियस नहीं निकाल सकते। समझ आई गल? हुण गल नूं क्लियर कर लो। हुण मान लो तुसी एक T20 मैच देख रहे हैं, तो जे तुसी एक एक बॉल देखी है भी किस बॉल ते कितना स्कोर होया की होया, तो तुसी ओवरऑल एवरेज कट के दस सकते हैं है ना, तुहानू एवरेज भी पता लग ही जानी है अखीर ते की बनया स्कोर, ते कली कली बॉल दे एनालिसिस तो तुसी। पर जे मान लो तुहानू कोई दसे भी ए टीम ने स्कोर किया 160 है ना 20 ओवर, तो एवरेज तो थानू पता लग गई 8 रन पर ओवर, पर थानू ये थोड़ी पता लगा भी 19वें ओवर च की होया 18वें च की होया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं पता लगनी, ओवरऑल पता लगनी भी थोड़ा तेज खेले या स्लो खेले है ना। तो एवरेज वैल्यू तो इंस्टेंटेनियस नहीं निकल सकती, बट इंस्टेंटेनियस तो
एवरेज निकल आती है। तो ये ध्यान च रखनी गल, और वो आप कल नू कढ़ांगे भी। तो इत्थे बेटा अज रुकते हैं आप।